प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभातखबर.com। पूरी दुनिया को कोरोना के मामले में गुमराह करने वाला चीन अब भारत को सीमा विवाद में उलझाने की कोशिश कर रहा है। ड्रैगन कोशिशों में लगा है कि भारत को लद्दाख सिक्किम बॉर्डर पर डराया जाए, लेकिन वो भूल जाता है कि ये साल 1962 नहीं है। चीन बीते कई दिनों से सीमा पर खींचतान में लगा है। हमारे जांबाज उसी की भाषा में उसे मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन चीन को इतनी मिर्ची क्यों लगी है? ड्रैगन बौखलाया क्यों है? शी जिनपिंग कोरोना के मसले पर इतनी छीछा लेदर कराने के बाद आंखें तरेर क्यों रहे हैं? चलिए आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल भारत चीन की नापाक हरकतों की वजह से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है, इसलिए यहां सड़क बनाई जा रही है ताकि सीमा पर कड़ी निगरानी रखी जा सके, संघर्ष की स्थिति में आसानी से रसद और हथियार वहां पहुंचाया जा सके, सीमा की सुरक्षा में तैनात जवानों तक आसान पहुंच बनाई जा सके। बस इसी बात से चीन बौखला गया है, वो भारत को रोकने की कोशिशों में लगा है। चीन नहीं चाहता कि भारत वहां सड़क बनाए, क्योंकि सड़क बनी तो चीन अपनी नापाक हरकतें जारी नहीं रख पाएगा। इसलिए बीते कई दिनों से उसके सैनिक जबरदस्ती भारतीय सीमा में घुसने की कोशिशों में लगे हैं। बीते दिनों उसके सैनिक भारतीय सीमा में घुस भी आए थे, तब भारतीय सैनिकों ने उन्हें रोक दिया था। दोनों देशों के सैनिक किसी बात पर गुत्थम गुत्था भी हो गए थे। ना केवल पैदल सैनिक बल्कि चीन के सैन्य हेलीकॉप्टरों ने भी भारत की सीमा में घुसपैठ की कोशिश की थी। चीन की इन्हीं हरकतों की वजह से भारत ने यहां अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। खार खाया बैठा चीन भारत के इसी कदम से और भी ज्यादा बौखला गया। ताजा जानकारी के मुताबिक भारतीय सैनिकों की निगरानी में पेंगोंग सो झील के उत्तरी हिस्से में सड़क बनाई जा रही है। इसमें अड़ंगा डालने के लिए चीन के सैनिकों ने लद्दाख की गालवा घाटी के पास टेंट लगा दिया है। यही नहीं, जानकारी मिली है कि चीन ने डैम चौक, चुमार और दौलत बेग ओल्डी जैसे इलाकों के पास अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। यहां चीनी सैनिक कुछ निर्माण कार्य भी कर रहे हैं। दरअसल चीन अक्साई चीन के उस इलाके में आंखें दिखा रहा है जिस पर उसने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। इस मसले को लेकर दोनों ओर के सैनिकों में झड़प भी हो चुकी है। कुछ दिन पहले चीनी हेलीकॉप्टरों ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश भी की थी, लेकिन भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलटों ने उन्हें खदेड़ दिया था। बता दूं कि चीन लगातार लद्दाख, उत्तरी सिक्किम सहित सीमा के अन्य हिस्सों में सड़क और इन जैसी अन्य ढांचागत संरचना का निर्माण कर रहा है। सुरक्षा के लिहाज से जब भारत ने भी ऐसा किया तो चीन को नागवार गुजरा। लेकिन भारतीय खेमे की पूरी कोशिश है कि चीन का बदनाम विस्तारवादी रवैया किसी भी सूरत में लद्दाख सीमा पर कामयाब ना होने पाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्रभातखबर.com का यूट्यूब चैनल। आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जाकर इस पर कमेंट करें और प्रभातखबर.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।